हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैं नीलम शर्मा हिरण मेकअप आर्टिस्ट कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे तो आज हम लेकर हैं एक सेटल सा मेकअप और डे में आप किस तरह से मेकअप कर सकते हो और जैसे कि अब सीज़न हमारा जो है वो गर्मियों वाला है तो आपको क्या प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए और मैं बहुत सारे इसमें न्यू प्रोडक्ट लेके आई हूँ तो उसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो में ज़रूर बताने वाली हूँ तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ तो फर्स्ट आपको सी करना बहुत ज़रूरी होता है हमारा समर एंड विंटर में दोनों का जो सी करने का तरीका होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है तो आप जब भी गर्मियों में मेकअप करेंगे तो आप वाटर बेस मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मैं टॉनर जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ मामार्थ का और मॉइस्चराइज़र भी मैं मामार्थ का यूज़ करने वाली हूँ तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब ये मेकअप करें तो आप वाटर बेस प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करें क्योंकि समर का सीज़न है आप कितना भी बचेंगे फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो गर्मी में आप जाने वाले हो तो उसके लिए आपको कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए तो वो मैं सब आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले मैं आईब्रो को फ़िलर कर रही हूँ और फिल करने के बाद में मैं, मैं यहाँ पर दूँगी यहाँ देंगे हम अपने मेकअप फॉर के प्रोडक्ट्स जो है आ, कंसीलर से और हम आई जो आइज़ का मेकअप करेंगे उससे पहले जो हमें तैयार करना चाहिए वो कंसीलर से करना चाहिए क्योंकि अगर आप जैसे कि क्रैलोन का बेस अगर आप करते हो तो उसे जो आपका आइज मेकअप है ना वो थोड़े टाइम बाद जो है वो बहना है स्टार्ट हो जाएगा तो इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि जो इसकी थिकनेस है जो भी कंसीलर आप यूज़ करते हो जो उनकी थिकनेस है वो बेस के अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी सी आ, अच्छी है तो इसलिए आप जब भी आइज़ का मेकअप करें तो कंसीलर का यूज़ करें बेस का यूज़ ना करें आप आ, समर में तो यूज़ कर सकते हो सॉरी विंटर में यूज़ कर सकते हो पर समर में यूज़ ना करें बेस का तो इसके बाद में जो मैं आइज़ मेकअप देने वाली हूँ वो बिल्कुल भी न्यूड आइज़ मेकअप देने वाली हूँ विदाउट ग्लीटर और मैं आज इसमें बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ ये मैं आपको चैनल पर फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ इस तरह की आइज़ मेकअप तो मैंने यहाँ पर एक ब्राउन कलर लिया है ये मेरा जो मेकअप था ये डे का मेकअप था तो उन्हें आइज़ का जो मेकअप है वो भी लाइट चाहिए था ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए था तो इसलिए मैंने ज़्यादा डार्क प्रोडक्ट नहीं लिए और हमेशा जब भी आप देखें कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कलरफुल ड्रेस पहनी हुई है और आप कलर में आप मतलब परेशान हो जाए कि आपको लेना क्या है तो ब्राउन एक ऐसा कलर है कि आप कोई भी मिक कलर के साथ आप ब्राउन कलर ले सकते हो कोई भी कलर क्लाइंट ने पहना हो तो आप ब्राउन कलर दे सकते हो तो यहाँ देखिएगा मैंने एक ब्राउन कलर लिया है और मैं आउटर कॉर्नर पे जो है वहीं ब्लेंड कर रही हूँ और ब्लेंड करने के बाद मैं इनर कॉर्नर पे जो है मैं एक लाइटर सेड जो है वो यूज़ करने वाली हूँ तो ग्लिटर मैं बिल्कुल भी यूज़ करने वाली हूँ और जो मैं काजल यूज़ करने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को लास्ट में आइज़ का जो हाफ मेकअप है वो मैं लास्ट में बताऊँगी तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपने फ़र्स्ट वीडियो देख के तो पता चल ही गया होगा कि आइज़ का मेकअप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट था तो इसलिए मतलब लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ में इसके बाद में आप मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ प्राइमर जो यूज़ कर रही हूँ मैं वो यूज़ कर रही हूँ फिटमी का आप जेल बेस प्राइमर कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास हो तो आप जेल बेस प्राइमर यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ में आप क्रैलोन जो है वो कभी यूज़ ना करें इस वाले सीज़न में आप हमेशा डरमा यूज़ करा करें डरमा क्या होता है कि समर में जो है वो बहुत ज़्यादा पसीने आने का डर रहता है तो जो ये थोड़ा कम ऑयल बेस प्रोडक्ट है जैसे कि सुपरा जो है वो ऑयल बेस होता है ये कम ऑयल बेस है और यहाँ पे जो आज मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ वो प्लूम का यूज़ कर रही हूँ और गाइज बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है आप इसे ले सकते हो हंड्रेड परसेंट ले सकते हो थोड़ा कॉस्ट है इसकी वरना जो डैपिंग है इसका क्योंकि मेरे पास जो लास्ट टाइम था ना वो थोड़ा सा हार्ड था और ये ब्यूटी ब्लेंडर एक जैसे कॉटन होता है ना सॉफ्ट इस तरह का था तो मैं इस चीज़ का भी रिव्यू आपको बताने वाली थी तो इसलिए मैंने आज जो है कुछ कुछ न्यू प्रोडक्ट यूज़ करे हैं और इससे जो है आपको ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ देख सकते हैं मैंने जो का फाउंडेशन लिया है वो क्वांटिटी बहुत कम ली है और सीड नंबर जो है वो एन सी फिफ्टीन लिया है क्योंकि इनका फेयर टोन था और आपको इस वाले ब्यूटी ब्लेंडर से ना ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और थोड़ा सा मुझे क्वांटिटी कम लग रही थी आप हमेशा क्लाइंट से पहले पूछिएगा उन्हें किस तरह का मेकअप चाहिए तो इन्हें जो मेकअप था वो लाइट चाहिए था इसलिए मैं प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ आप हमेशा इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जब भी आप गर्मियों के मौसम में समर के मौसम में मेकअप कर रहे हो और डे में मेकअप कर रहे हो तो क्वान्टिटी प्रोडक्ट की कम रखें तो यहाँ पर जो मैं आ, कंसीलर यूज़ कर रही हूँ वो ई का यूज़ कर रही हूँ और ये जो कंसीलर था मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करा है पर मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छी कवरेज थी इसकी तो आप ये ले सकते हो एल एफ़ का कंसीलर और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था तो ये मैंने हाईलाइट पॉइंट के लिए ऑनली मैंने आइस के नीचे ही रखा था और और कहीं मैंने नहीं ब्लेंड कर लगाया था कंसीलर इसके बाद मैं में मैं मेकअप को जो है वो मैं सेट कर रही हूँ और मेकअप सेट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लॉक करने से ही अगर आप लॉक नहीं करोगे तो मेकअप लॉक नहीं होगा और इसके बाद में मैं, मैं हुडा ब्यूटी का जो है वो ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर ब्लेशर नहीं देने वाली हूँ मैंने न्यूड मेकअप दिया है तो न्यूड मेकअप में आप ब्लशर का यूज नहीं करोगे मैं जो हाईलाइटिंग भी मैंने दी है वो भी कम दी है मैंने हाईलाइटिंग भी ज़्यादा नहीं रखा है तो और नोज़ी को भी मैंने अच्छे से शार्प करा है तो मेरे जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा फाइन नहीं दिखाई दे रहा था और फीचर शार्प करने बहुत ज़रूरी होते हैं यहाँ पे जो मैं हाई दे रही हूँ हाई को भी मैंने बाद में क्योंकि डे का मेकअप था तो उसे ब्यूटी बी ब्लेंडर की हेल्प से ना वो मैंने वीडियो में आपको नहीं दिखाया है, तो वो डैप डैप कर देता जिससे कि हाई पॉइंट ज़्यादा हाई ना लगे इसलिए डैप डैप कर दिया था अगर आप डे में मेकअप कर रहे हो और हाई पॉइंट क्लाइंट को कम चाहिए तो आप जो है ब्यूटी ब्लेंडर से डेप कर दीजिएगा तो उसकी जो क्वांटिटी है वो कम आपको दिखाई देगी और मैं जहाँ भी आपकी वाटर लाइन के नीचे जो लाइन होती है वहाँ मैं आइज़ का मेकअप जो ऊपर कलर हमने दिए थे वही कलर मैं नीचे की साइड दे रही हूँ और देन हम बाद में यूज़ करेंगे ऊपर का ऊपर का जो यूज़ करने वाली हूँ मैं वो जेल लाइनर से यूज़ करूँगी जेल लाइनर को हमेशा आपको पाउडर फॉर्म से जो है वो पैक कर देना चाहिए देखिएगा ये आईब्रो डिफ़ाइन करने के लिए सॉरी आपको हाईलाइटिंग पॉइंट के लिए ना ये थोड़ा सा आपका जो आइज़ का गैप होता है ना वो ब्रॉड दिखाई देता है तो इसलिए ये हाईलाइट पॉइंट ज़रूरी होते हैं हाईलाइट करने के लिए और इसके बाद में मैं सिर्फ लाइनर जो देने वाली हूँ वो मिड तक देने वाली हूँ और बैक की साइड मेरा ब्रॉड आएगा तो इसलिए मैं जेल लाइनर यूज़ करूँगी यहाँ मैं यूज़ कर रही थी वो मेवलिन का यूज़ कर रही थी और जेल लाइनर भी मैं मेवलिन का ही यूज़ करने वाली हूँ और मिड से लेके हाफ़ की तरफ जो हम बैक की तरफ आएंगे उसे थोड़ा सा हमें ब्रॉड लेना है यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो लिया है मेवलिन का आ, जेल लाइनर लिया है और उसे आप पाउडर फॉर्म से उसे ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है तो सिर्फ आप आ, उसे बैक की साइड ही ब्लेंड करेंगे फ्रंट की साइड से ब्लैक ब्लैंड जो है वो नहीं करेंगे फ्रंट की तरफ से जो है एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होनी आपकी बहुत ज़रूरी होती है तो आप इस तरह से ब्लेंड करिएगा और आइज़ का मेकअप जो वो बहुत खूबसूरत लग रहा है और आप किसी को भी आइज़ मेकअप दे सकते हो आप ये ब्राइडल को भी दे सकते हो नॉन ब्राइडल को भी दे सकते हो इंगेजमेंट को भी दे सकते हो और ये जो आइज़ मेकअप है अभी फ़िलहाल ट्रेंडिंग में है और आप इसके साथ कोई भी आ, पिंक सेड यूज़ कर सकते हो रेड यूज़ कर सकते हो बैक में मेहरून यूज़ कर सकते हो आ, वो आपकी चॉइस है कि आप कोई भी जो है कलर चूज़ कर सकते हो तो ये सिर्फ आपको बैक की साइड ही ब्लेंड करना है तो आप देख सकते हैं जो क्लाइंट की जो आइज़ है वो कितनी ब्रॉड लग रही हैं और कितना खूबसूरत निकल के आ रहा है तो आपको फ्रंट से जो है ना एक लाइन क्रिएट करनी है इसलिए आ, जो भी आपके पास लाइनर हो आप उससे कर सकते हो और जो ऊपर वाटर लाइन होती है ना वो भी आप काजल से ड्रॉ कर लें जिससे कि वो पूरा आ, फिल हो जाए आपको गैप दिखाई ना दे स्किन वाला कलर आ, दिखाई ना दे उसके बाद में हम लगा रहे हैं यहाँ पे मस्कारा मस्कारा भी हम मेवलिन का यूज़ कर रहे हैं और मस्कारे के बाद में मैं यहाँ पर जो है इनके आ, लेज जो है वो कैरी करा दूँगी उसके बाद में मैं, मैं यहाँ लिप बाम यूज़ कर रही हूँ और फिल्म का और लिप बाम के बाद में मैं एक न्यूड कलर जो है वो लिपस्टिक कैरी कर रही हूँ आई होप गाइस आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और ऐसी ही वीडियो मैं आपको लेकर आती रहूँगी बाय